किया। तो इस प्रकार से क्या है, महिलाओं और बालकों के लिए एट प्रेजेंट क्या है, सभी के लिए क्या है, काफी सारी जो क्या है समुदाय के कल्याण के लिए क्या है, काफी सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। और वो क्या है, लोगों के स्वास्थ्य को ऊंचा, स्वास्थ्य को ठीक रखना, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, उनका मेन मकसद यही होता है। तो इसमें आज हम सबसे पहले जो बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, पहले अंतर्राष्ट्रीय जो भी एजेंसियां हैं उनकी बात करेंगे, फिर क्या है जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, आप सभी को भी पता होना चाहिए, आजकल भी क्या है न्यूज में उसकी डेली क्या है एक दो रिपोर्ट आती रहती है, तो उसका नाम है WHO। आपने सुना होगा WHO, आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप क्या है होम साइंस के अलावा भी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, ऐसा नहीं है कि होम साइंस ऐसे ही है, होम साइंस के जो क्वेश्चन है वो क्या है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जैसे कि WHO है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो है क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएगा। आपके WHO की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए WHO की क्या फुल फॉर्म है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन, तो संयुक्त राष्ट्र जो संगठन है ये क्या है, WHO है, तो इसके अंदर आता है, ये क्या है इसकी एक विशेष एजेंसी है, ये क्या है एक विशेष एजेंसी है, एक विशेष एजेंसी है किसकी, WHO है वो UNO की, संयुक्त राष्ट्र संगठन की एक क्या है विशेष एजेंसी है, जो क्या करती है, जो अपने विधान के अंतर्गत मुख्यतः क्या है अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य की उन्नति के लिए क्या है प्रभावशाली योगदान देती है। तो इसके लिए क्या है ये प्रभावशाली योगदान देती है, और इसमें यो तो इस संगठन का जन्म कब हुआ, अप्रैल 1945 को इसका जो जन्म हुआ था वो क्या है, अप्रैल 1945 को इसका जन्म हुआ था, जब सेंट फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र के निर्माण संबंधी एक क्या की गई थी, कमेटी चल रही थी, तो उस कमेटी में क्या हुआ, ब्रांजिल और सेंट फ्रांसिस्को में क्या है एक मीटिंग चल रही थी, तो सेंट फ्रांसिस्को में क्या है एक सम्मेलन चल रहा था, सम्मेलन चल रहा था, उस सम्मेलन के अंदर क्या है ब्रांजिल और रूस ने क्या है एक प्रस्ताव रखा,
के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी हो, क्योंकि संपूर्ण विश्व में शांति एवं सुरक्षा प्राप्त करने का यही एक तरीका है कि जब लोग स्वस्थ रहेंगे तो क्या है, विश्व के लोग अगर स्वस्थ रहेंगे तो क्या है, हमारा देश और विश्व उन्नति के शिखर पर पहुंच पाएगा। तो उन्होंने क्या है, एक प्रस्ताव रखा, तो उस प्रस्ताव का क्या है, ये सक्सेस भी हुआ। तो इसमें क्या है, इसकी जो स्थापना हुई वो कब हुई, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है, ये किसकी संगठन है, ये एजेंसी किसकी, संयुक्त राष्ट्र संगठन की एजेंसी है। और इसका जन्म हुआ था, वैसे तो हुआ था 1945 में इसका जन्म हो गया था। अब हम इसकी बात करते हैं, उत्तम
जैसा कि आप जानते हैं कि क्या है, स्वस्थ रहना मनुष्य का क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है, और इसी की प्राप्ति के लिए क्या है, यह संस्था निरंतर क्या कर रही है, लगातार काम कर रही है। तो क्या है, और लगातार अथक प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा अब कोरोना महामारी के बाद क्या है, जो लगातार जो काम कर रही है वो एजेंसी कौन सी है, WHO है। उसकी जिम्मेवारी है कि इस महामारी को दूर किया जाए। तो इसके लिए क्या है, उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या है, स्वास्थ्य की एक परिभाषा दी है। उन्होंने क्या कहा है कि स्वास्थ्य किसको कहा है, स्वास्थ्य की परिभाषा किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू यानी अनुसार, अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट है, परिभाषा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ लेते हैं WHO की के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य किसे कहा जाएगा, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होगी। तो क्या कहा गया है इसमें, केवल बीमारियों का होना ही नहीं, उन्होंने क्या कहा है, केवल बीमारियों का होना ही नहीं अपितु होना या केवल बीमारियों का नहीं होना, बीमारियों का जो भी डेफिनेशन होती है हम उसको, चाहे किसी की भी हो, चाहे किसी विद्वान की हो या किसी की लिखी हुई जो डेफिनेशन स्टेटमेंट होती है, हम उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, वो एज इट इज हमें लिखनी होती है। केवल बीमारियों का नहीं होना, नहीं होना, बीमारियों का नहीं होना या बीमारियों की अनुपस्थिति मात्र ही स्वास्थ्य नहीं है, नहीं है बल्कि संपूर्ण, बल्कि क्या है, संपूर्ण शारीरिक मानसिक, शारीरिक मानसिक व सामाजिक, सामाजिक कुशलता है। उन्होंने क्या कहा है, केवल बीमारियों का नहीं होना या बीमारियों की अनुपस्थिति मात्र ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि संपूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक कुशलता भी क्या कहलाती है, स्वास्थ्य कहलाती है। ये क्या है, WHO की डेफिनेशन है, और ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये आपका बताना जरूरी है। अब इसमें बात करते हैं, इसकी सदस्यता की बात करते हैं, उद्देश्य हो गया अपना, कि इसके सदस्य कौन कौन है, सदस्यता की बात करते हैं। इसका कोई भी संयुक्त राष्ट्र संगठन का, UNO का कोई भी देश भी देश सदस्य हो सकता है, हो सकता है या बन सकता है, कोई भी देश क्या है, इसका सदस्य बन सकता है, और क्या कर सकता है, कोई भी देश क्या है, इसका सदस्य बन सकता है, वे देश जो क्या है, संयुक्त राष्ट्र संगठन के सदस्य नहीं है,
या कोई भी ऐसा क्षेत्र जिनका अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं है वो भी क्या है WHO के सदस्य सहयोगी सदस्य बन सकते हैं, और वो क्या है इसके सहयोगी सदस्य बनकर क्या है जो WHO से क्या है संगठन से क्या है WHO से क्या है लाभ एवं सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। और वो जो लाभ और सहयोग होता है वो किस क्षेत्र में WHO देता है, वो क्या है जब बीमारी फैल जाती है कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी या स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी होता है उसकी उसमें कौन हेल्प करता है उस देश को WHO क्या करता है हेल्प करता है। जैसे कि अब कोरोना महामारी में क्या है जो WHO है वो सभी देशों को क्या कर रहा है सहयोग प्राप्त कर रहा है, चाहे वो पैसे के रूप में हो चाहे कोई भी मेडिकल फैसिलिटी हो वो सभी रूप में क्या है इनको सुविधाएं प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से क्या है सन 1948 में इसके क्या थे 56 सदस्य थे। सदस्य होते हैं वो अब क्या है जब ये सदस्य इनको अनुदान के रूप में राशि देते हैं तो क्या है WHO उनकी क्या है सहयोग करता है चाहे वो अनुदान राशि से कितनी ही ज्यादा हो। अब हम बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो उद्देश्य है, हमने पहले भी उद्देश्य की बात की लेकिन क्या था इसका जो एम था मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था सन 2000 तक क्या है विश्व के सभी लोगों का यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो सन 2000 तक क्या है वर्ष 2000 तक विश्व के जितने भी लोग हैं विश्व के सभी लोगों के स्वास्थ्य का जो स्तर है स्तर को ऊंचा उठाना उठाना हालांकि ये जो डाटा है वो क्या है पुराना है लेकिन 2000 तक जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि जो लोग हैं जितने भी लोग हैं विश्व में उनके जो स्वास्थ्य है उनको उच्चतम स्तर तक लेकर जाना है जिससे क्या है सभी सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से क्या है उत्पादक जीवन व्यतीत कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार क्या कर रहा है कार्य कर रहा है और सभी देशों को क्या है सहयोग प्रदान कर रहा है। तो इसके लिए क्या है अब हम इसमें करेंगे ये तो था हमारा जो कि
विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, इसका स्थापना कब हुई, इसके सदस्य कौन कौन है और इसका जो इम्पोर्टेंट है वो यही पूछा जाता है कि WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है और कौन कौन से यानी कितने देश इसके क्या है सदस्य है। तो इस प्रकार से ये हमारा इंट्रोडक्शन था WHO का। अब हम इसमें करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन की गतिविधियां कि ये क्या क्या काम करता है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की गतिविधियां है वो अगली क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही, नहीं तो फिर ओवरलैप हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही।